जनता ने जवाब दे दिया है। चुप रहो। ये जनता की जीत है, जनता का जो विश्वास है, जिस तरह से उन्होंने विश्वास जताया था उसकी विजय हुई है। समर्पित है अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए, और ये जीत जो है, ये विजन जो है, मोदी जी का पूरा होगा, अमित शाह जी का पूरा होगा, और देश आगे बढ़ेगा उनके नेतृत्व में, और भोपाल आगे बढ़ेगा। लगता है परिणाम जो है पार्टी के पक्ष में जो ठीक नहीं है, क्या वजह है? वजह की बात आज करना उचित नहीं है जब तक कि सबसे बात नहीं होती, लेकिन जनतंत्र में जनमत सर्वोपरि है। जो भी वो फैसला जनता का है उसको पूरी विनम्रता से और पूरे सम्मान से उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। क्या लगता है आपको कि एक लंबी जो है आंकड़ा रहा है जीत और हार का, तो इसके पीछे प्रथम दृष्टया आप क्या मानते हैं? कोई मुद्दे ने काम किया नहीं, मैं ये सब बातें आज करना उचित नहीं समझती हूँ। आज तो हम सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद मैं करती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के सुधीर गुप्ता जी को बधाई देती हूँ जो हमारे सांसद निर्वाचित हुए हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना 100% दिया है। और मैं इसमें विश्वास नहीं रखती कि हम दोषारोपण करें। जो भी निर्णय जनता का है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, और उसको हम पूरे विनय के साथ कबूल करते हैं। कांग्रेस की आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जनता को, मैं बोल चुका जनता को। एक बार फिर से बोलिए। नहीं, आपने इतना बड़ा किला ढाया है, क्या लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं, जनता ने ढाया है। अगर मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिली होती, जैसे शिवपुरी को अगर पानी मिला होता तो शायद इतना आक्रोश नहीं होता। केपी यादव जी, जब आपका टिकट डिक्लेयर हुआ था तब आपको डमी प्रत्याशी बताया गया और सेल्फी प्रत्याशी बताया गया, और आज आप इस सवाल आपसे ज्यादा वोटों से। मैंने शायद जिस दिन फॉर्म भरने आया था उस दिन भी किसी पत्रकार भाई ने पूछा था, और मैंने कहा था कि आप देखिए हम लोग विधानसभा में 16,400 वोटों से जीत चुके हैं, अब तो लाखों में जीत हमें हासिल करनी है, और वही हुआ है। और जैसा आप देख रहे होंगे हर व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, हर कार्यकर्ता ने मेहनत की है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, अपनी पार्टी के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जिले के मतदाताओं ने दिल खोल करके भाजपा के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को जनता ने मुहर लगा दिया। उन्होंने जो देश के विकास के लिए काम किया उस पर भी मुहर लगा दिया जनता ने। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में जनता का विश्वास मोदी जी के सरकार के प्रति इतना पहले कभी नहीं देखा गया, किसी समय पर कितना विश्वास होगा। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब काम करने वाली सरकार को दोबारा पहले से अधिक सीटों से विजय दिलाकर पुनः सत्ता में प्रतिस्थापित किया हो, ये पहली बार देखने को मिला है। तो ये सिर्फ मोदी जी का वो सूत्र वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, एक भारत।